पंचम शताब्दी एक्सप्रेस काठगोदाम देहरादून की ट्रेन तो यही है। तो आ गए डैडी अभी। भाव जी नमस्ते, और कैसे हो? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30, तो अभी तो उठाऊँ मैं सोके। तो भैया ने तो पूरा खाना वाना सब बना दिया। सबसे पहले टी शर्ट पहनूँगा। अभी उठ गया हूँ मैं, 8:30 बज गए हैं, अभी खाना भी रेडी हो गया। देखो पूरा, ये देखो कैसे खाना खाते हैं। ये बॉइल्ड कॉर्न है, ये बॉइल्ड आलू है, बॉइल्ड अनियन है, ये गार्लिक है, और इसमें खीरा भी होगा कहीं। और ये देखो दाल है, ये सत्तू है, ये तो मैंने बनाया था कल, भैया को बनाना नहीं आया ढंग से अभी सत्तू। तो देखो खाना कितना हेल्दी हो गया है। पहले खाली पराठे खाते थे ये सब। अब मॉर्निंग में मेरा 1-1.5 हफ्ते से यही खाना खा रहा हूँ, बिल्कुल मतलब अच्छा लगता है अब तो। सत्तू किसी को पता नहीं होगा, जो यूपी के होंगे उनको पता होगा सत्तू क्या होता है। तो उसको पानी में घोल के उसमें मसाला डाल के हल्का प्याज डाल के सुबह सुबह 1 गिलास पी लो, आप पूरे दिन एनर्जी रहेगी आपके शरीर में। ये देखो अभी ये ना घुला नहीं है, इसमें और गाढ़ा होता है ये सत्तू। खाना देखो, आपको इसका पैकेट दिखाता हूँ, इसका पैकेट कैसे होता है। खुला पैकेट आता है सत्तू का पैकेट, कहाँ भैया? ये देखो, ये है चना, चने को पीस के बनता है सत्तू का आटा। तो बाकी खाना वाना तो पूरा बन गया, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं करा, ब्रश करूँगा और हेयर कट भी करवाना है आज। और आज का क्या सीन है पूरा बताता हूँ अच्छे से, पहले ब्रश कर लूँ। ब्रश कर लिया या नहाया नहीं है, कल वाला व्लॉग भी बीच एडिशन में बनाया था, भाई नहाना ही पड़ेगा आज, बहुत दिन हो गए नहाए, 2 दिन हो गए नहाए हुए। कोई बात नहीं, नहाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना खाना ज़रूरी है। अब देखो सैलेड कट गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। ये क्या बनाया आपने, दाल? चेक इट आउट, आई हैव नो आइडिया, दाल ही लग रहा है, हैं? बताओ तो क्या है? आई हैव नो आइडिया। बनाया आपने ये जो भी है दाल दूल है? तो कैसे खाना वाना खा लिया अभी? भाई साहब वेदर देखो भयंकर की, हेयर कट करवाने चलते हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए बाल भाई, देख रहे हो, हेयर कट करवाएंगे बच्चा सा। अच्छा क्या मतलब छोटे छोटे करवाऊंगा खूब, NCC वाले हैं भाई, अब NCC चालू होने वाली है तो हेयर कट करवा के छोटा छोटा बिल्कुल। भाई सामने का व्यू दिखाऊंगा ना यार, इतना प्यारा व्यू हो रखा है भाई, देखो लैंडस्केप बनता है, देखो इधर देखना, ध्यान से देखना। अरे बचपन में पेंटिंग नहीं बनाते थे, कैसे लैंडस्केप बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। बहुत प्यारा व्यू है यार कसम से, ये फ्लैट छोड़ने का मन नहीं करता इसके चक्कर से। सीधे चलते हैं, स्कूटी उठाते हैं यार, स्कूटी की बहुत गंदी हो रखी है, स्कूटी का वो भी टूट गया। अम्मा नमस्ते, कैसे हो? ये देखो ये टूट गया है। अरे आप अभी कहाँ मरने वाले मुझसे हो, बस बढ़िया काम करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बस सब हो जाएगा।
देखो कितना बढ़िया तरीका है भयंकर पैसे मांगने का। एक ढोल ले लिया है, बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लोग पैसे दे भी रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया आदमी है, वो काम भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ये इंडिया में बहुत बेकार चीज़ है। साला मांग 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 के और इतना कमा लेते हैं, इतना कमा। देखो यहाँ आ रहे हैं, इस घर पे आ रहे हैं, यहाँ तो कोई देगा भी नहीं, अम्मा इतनी कंजूस है देंगे भी नहीं। देखो बिल्कुल बढ़िया बंदा है, बिल्कुल देखो फैक्ट्री में काम भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भाई साहब हेयर कट करा लिया बढ़िया से, हेड मसाज कराई, मज़ा आ गया कसम से। हेड मसाज कराई, शोल्डर मसाज कराई, हम नहाते हैं। मैंने कहा था ना अम्मा इतनी कंजूस है, 1 रुपये दिया अम्मा ने। लेकिन भाई गाना तो बढ़िया गा रहा है यार। अबे यार हंसी आ रही है, 1 रुपये दिए अम्मा ने और गाना सुन रही है फुल। अभी नहाता हूँ फटाफट से। तो बताना था आज का सीन क्या है, तो आज का सीन ये है कि मेरी ट्रेन की टिकट है और मुझे जाना है घर, घर जाना पड़ रहा है, एक अपॉइंटमेंट है मेरी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मम्मा डैडी आने वाले थे देहरादून, तो नहीं आए क्योंकि एक अपॉइंटमेंट, एक कॉल आ गई थी कि आना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है वो जाना, तो मेरे को जाना पड़ेगा। 3:45 की मेरी ट्रेन है, अभी टाइम हो रहा होगा 1 बज रहे हैं, तो फटाफट नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, भैया छोड़ के आ जाएंगे मेरे को ट्रेन तक, फिर कल आ जाऊँगा वापस मम्मा डैडी के साथ देहरादून। तो बढ़िया हो गया ये, तो बढ़िया हो गया, रेडी नहा लिया बढ़िया से और खाना भी खा लिया। ट्रेन है 3:45 की, तो अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में स्टेशन पहुँच जाएंगे। लेकिन ये देखो भाई, बारिश वाला मौसम होने वाला है और ये संजय भाई हमारे लेट कर रहे हैं। भैया भैया सैन भाई लेट कर रहे हैं, देखो अंधेरा कितना कर रखा है। क्या बना रहे हैं? सेम थिंग, गुड़ खाएंगे भाई। छोटा कर दूं आधा? कि कैसे गल गया है? आधा खाओ आधा, क्योंकि अभी अब आप लाने वाले हो ना। भाई गुड़ बहुत खाने लगे हम लोग, चीनी का तो नाम निशानी नहीं है अब रूम में। अंधेरा क्यों कर रखा है यार, ग्रेन्स आएंगे। अच्छा बैनी बैनी है गाइस हियर, जाले में देख रहे हो भाई, बचपन से ही ऐसे हैं ऑल द टाइम। आई एम जस्ट कॉमिंग बचपन से ऐसे हो कि अभी हुए यहाँ देहरादून आके? यू मेड मी। अच्छा रूम लॉक करिए फटाफट भाई, लेट कर रहे हो, लाइट वो बारिश आ जाएगी ना फिर। सो फाइनली यू आर गोइंग टू योर होम, बट व्हाट विल यू फीड बिटवीन ट्रेन एंड मार्केट? नथिंग। क्या खिलाएंगे आप रास्ते में? कुछ नहीं। कितना खा? सीधे मना मत कीजिए। क्यों नहीं मना करिए, सीधा कुछ नहीं खिलाएंगे। एक काम करिएगा, तेल भी भरवा लीजिएगा फुल टंकी। ठीक है। हाँ? की चाबी अभी आप चला के ले चलेंगे? हाँ। चलिए अम्मा कहा है, नहीं तो अम्मा को बताया था भाई, चुरा लो चुरा लो चुरा लो, क्या बॉईल करके खाना है। यार एक कटोरी दे दे। भाई चोर एक नंबर के हो गए हैं भाई। अम्मा ये देखो चुरा रहे हैं। अम्मा अभी बुलाता हूँ। हाँ कहाँ है ये? अम्मा कहाँ है? अम्मा का बताओ। घर जा रहे हैं, कल आएंगे ठीक है? हाँ कुछ काम था। क्यों मम्मी पापा आ रहे हैं? कल आएंगे ना। अभी जा रहे हैं? हाँ 3:45 की ट्रेन है। अच्छा दोनों? नहीं नहीं मैं छोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलिए गाड़ी से चलिए। हीरो हमको बोल रहा है, आपको नहीं, इनको हीरो बोलिए। अरे हीरो तो ये है, हीरो तो ये है। सर
बॉइल कर खाते कैसे खाते हैं? बॉइल करके खाएंगे हम भी कल जाएंगे आपके यहाँ ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी बना रहे सच में मैं आपको चना खिलाऊंगा मुझे एक लेके ठीक है ठीक है ठीक है और वो सर इनके बीज देने वाले थे कब देंगे तैयार हो तभी दो यहाँ कहाँ है अभी आप बोलते हैं तो वो है कहाँ वो यहाँ यार कुछ गाडू है यहाँ पे देख रहे भाई ये यार आता कहाँ से है ये अंकल लाते कहाँ से हो ये अच्छा अम्मा ये चुरा लिया आपका आ गए मक्का चुरा लिया आपका मुस्कुरा रही है चोरी कर लो कोई दिक्कत नहीं हाँ ये आ गए हाँ वही तो आपको गोल उठाऊंगा जब आप चल नहीं पाएंगी आपका गमला कहाँ गया गमला कहाँ गया आपका रात को ऐसे चोरी कर रहे हैं भाई मुझे कौन कौन चोर आ गया मैं डर गया खुद मैं कह ये कौन चोर आ गया भाई आइए चलिए लेट हो रहे हैं चलो फिर बाय बाय अम्मा चलते हैं गाइस अम्मा चाहते ही नहीं है कि आप मिलो ठीक है ये लीजिए की ठीक है ये वेल्डिंग करा लेना और टंकी फुल करा देना भाई मेरी सीट कहाँ है जन शताब्दी एक्सप्रेस कार्ड के दाम देहरादून की ट्रेन तो यही है कौन ले जाएगा तो गाइस अभी मुरादाबाद तो पहुँच गए हैं भाई लेट हो गई ट्रेन तो अभी ट्रेन लेट हो चुकी है और एक डेढ़ घंटा लेट है 9:15 पे आने वाली थी और 9:09 बज गए शायद तो देखते हैं कब तक पहुँच जाएंगे घर पे तो बहुत टाइम लग जाएगा 10-11 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते तो चलो मिलते हैं सीधा उधरपुर पहुँच के वहीं रुकूँगा अब नींद भी आ रही है तो गाइस मैं तो आ गया भाई रुद्रपुर पहुँच गया अपने वहाँ पहुँच गया अच्छा कितना लगता है भाई साहब स्टेशन पहुँच गया हूँ अब डैडी का वेट कर रहा हूँ डैडी आएंगे कॉल तो कर दी थी मैंने डैडी को देखता हूँ कब तक आते हैं डैडी ये देखो रुद्रपुर स्टेशन डैडी की गाड़ी डैडी का वेट कम मुझे लग रहा है आए नहीं है अभी तो उनके आते ही बस सीधे चलेंगे घर अब भाई एक दिन के लिए आया पर यार चलो कोई तो आ गए डैडी अभी भाजी नमस्ते और कैसे हो तो गाइस पहुंच गए बस घर अभी सीधा जाके अब सोएंगे बहुत थक गए भाई साहब ओ भाई मस्त हवा चल रही है बढ़िया घर पे पहुंच गया तो व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया बहुत लंबा व्लॉग बन गया तो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना फैला दो व्लॉग को और बाय बाय फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में